कनेक्ट होगी इन अनदर वीडियोस के साथ। की वीडियो हमारे YouTube क्रिएटर्स के लिए, YouTube पर आप चाहे नए हो, चाहे आप पुराने हो, चाहे आप छोटे हो, चाहे बड़े हो, अगर आपके चैनल पर ऑडियंस का रिटेंशन नहीं आ रहा, आपके चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, या सब्सक्राइबर आ रहे व्यूज नहीं आ रहे, या व्यूज आ रहे सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, या दोनों ही नहीं आ रहे, तो आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। आज की वीडियो को देखने के बाद शायद आपके चैनल पर कुछ हद तक रिस्पॉन्स मिल जाए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे आपको आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जो बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं जिनकी वीडियोस को हम देखते हैं, हम चाहे उन्हें फॉलो करें या ना करें, उनकी वीडियो की नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाती है। आपको करना है कि आप जिस भी क्रिएटर को पसंद करते हो, जिस भी क्रिएटर्स की वीडियोस को आप देखते हो, उसके टाइम टेबल को नोट करना है ना, अपने नोट्स में दो तीन अच्छे से कमेंट लिखने हैं। एंड जब भी वो पॉपुलर क्रिएटर अपनी वीडियो को पब्लिश करे, इमीडिएटली आपको वो कमेंट को कॉपी करके उसके कमेंट सेक्शन में पेस्ट करना है। अगर आपका कमेंट टॉप 20 में आता है, क्योंकि बहुत से यूजर ऐसे होते हैं जिन्हें कमेंट पढ़ने की आदत होती है, मेरे जैसे बहुत से होते हैं जो YouTube पर जाकर कमेंट को पढ़ते हैं, अगर आपका कमेंट टॉप 10 टॉप 20 में आए और अगर आपका कमेंट हाईलाइटेड हो, एंड बहुत से यूजर ये ऐसे भी हैं जिन्हें कमेंट को हाईलाइट करना नहीं आता, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कमेंट को कैसे हाईलाइट करते हैं, कमेंट को कैसे बोल्ड करते हैं। अगर टॉप 20 में आपका कमेंट्स आता है, क्रिएटर है जो पॉपुलर क्रिएटर है, उनके सभी सब्सक्राइबर को ये पता होता है कि वीडियो इतने बजे पोस्ट होती है और इतने बजे उनके मिलियन के मिलियन सब्सक्राइबर एक्टिव हो जाते हैं, हार्डली 1 से 2 घंटे बाद उनकी वीडियो वायरल हो जाती है। आपको करना है कि अपने कमेंट को छोड़ना है, एंड उनके जो व्यूवर्स विजिट करेंगे, जो कमेंट पढ़ने आएंगे, अगर आपका कमेंट अच्छा तो कमेंट पे लाइक करेंगे, एंड आपका जो कमेंट है और ज्यादा हाईलाइटेड होगा, और आपका कमेंट जितना ज्यादा हाईलाइटेड होगा फिर आपके चैनल पर विजिटर आने शुरू होंगे, ऑडियंस का रिटेंशन बढ़ने लगे। एंड सेकेंडली आपको क्या करना है, हार्डली 2 घंटे बाद आपको उसी वीडियो को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद अगर उनकी वीडियो पर 50,000 कमेंट्स आते हैं, तो 50,000 कमेंट्स में से 1,000 से 1,500 ऐसे कमेंट्स होते हैं जिसमें क्रिएटर कहते हैं कि हम बहुत पुराने हैं, हमें प्रमोशन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इस तरह के बहुत से कमेंट्स आते हैं। एंड इनमें से आपको उन कमेंट्स को टारगेट करना है जिसपे बहुत ज्यादा रिप्लाई है, जैसे फेसबुक है, मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, इसमें जैसे कोई ग्रुप है, ग्रुप में हम किसी को मैसेज करते हैं तो जो एक्टिव होता है वो हमें रिप्लाई, जिस कमेंट में सबसे ज्यादा रिप्लाई है उस कमेंट में आपको अपना एक कमेंट छोड़ना है, उसे हाईलाइट करना है। एंड कमेंट को कैसे हाईलाइट करते हैं, बोल्ड करते हैं, इस पर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा अपने नेक्स्ट टॉपिक में। एंड ये सभी प्रोसीजर आपको जब वीडियो पब्लिश होता है तभी करना है। कुछ क्रिएटर ऐसे होते हैं जो एक दिन बाद कमेंट करते हो तो यार इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, आपको इमीडिएटली करना पड़ेगा ये प्रोसीजर। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, एंड अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।